या मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सेफ्टी ऑफिसर के पद पर कार्यरत और आपने 2500 का सफर आईआईटी से आई एम कर उनकी बहुत ही बहुत चर्चित किताब इसके साथ साथ सिंगड़म और नाम की किताब भी आपके द्वारा लिखे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत दर्शक धन्यवाद। और आपको मैं आप सभी दर्शकों को मैं आपके परिचित कराना चाहूंगा हमारे होस्ट जो कि रीवा से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया रेडियो में जो कैजुअल कंपेयर के पद पर कार्यरत युगवाणी नाम के उनका जो है चलता है सेशन और इवेंट मैनेजर के रहते हैं। तो पवन सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत सेशन में। थैंक यू। सभी दर्शकों से मैं बाधा का डालते हुए सेशन पूरी तरह से पवन सर और जवन सर को स्वागत करता हूँ। सर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार साथियों, हम सब जानते हैं कि भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है। हर भाषा जिसमें हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जिसमें कोई भी बातें कर रहा है, ये रोकना नहीं जानती। अगर कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो ये उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, वक्त के साथ हिंदी ने भी सभी भाषाओं के हिसाब से अपने स्वरूप में कई बदलाव किए हैं, लेकिन इसका मूल रूप अभी भी वही है। साहित्यिक हिंदी बोलचाल की हिंदी से उसी तरह से अलग है जिस तरह से आकाशवाणी और एफएम रेडियो। और सबको पता है कि एक ने अपना स्तर बनाए रखने के लिए अपने आप को यथावत रखने की कोशिश की है, तो दूसरे ने बाजार और ग्राहकों की जरूरत और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट डेवलप किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो साहित्यिक हिंदी है उसमें भी क्लिष्ट साहित्यिक हिंदी वो हम सबके समझ में नहीं आ सकती। बहुत सारी बातें हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है एक ऐसी हिंदी की जो हम बोलचाल में उपयोग करते हों, कॉलोक्वियल लैंग्वेज, है ना। जितने आसान भाषा में अपन आपको कंटेंट मिलेगा, कहानियाँ मिलेंगी, नाटक मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उस पर इंटरेस्टेड होंगे, है ना। तो भाषा में मोबिलिटी बहुत जरूरी है ना। जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो जाहिर है कुछ शब्द इधर से उधर होते हैं और वो दूसरी भाषा में यूं मिल जाते हैं जैसे एकदम उसी भाषा के शब्द हों, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अपने निबंध में लिखा हुआ है कि परंपरा बनाम आधुनिकता। तो मान के चलते हैं कि अगर एक पैर आपका परंपरा को दर्शाता है और दूसरा पैर आधुनिकता को, तो परंपरा जाहिर सी बात है हमको रोक के रखने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि परंपरा में बदलाव इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आधुनिकता तो बदलते रहने का ही नाम है। लेकिन अगर हम परंपरा और आधुनिकता में सामंजस्य बना लें, जैसे कि हमारी हिंदी ने बनाया हुआ है, तो हम आसानी से समाज को एक सतत विकास की गति में ले जा सकते हैं, उस दिशा को निर्धारित कर सकते हैं जिसे हम और हमारा समाज एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन और आज बतकही के 26वें एपिसोड में हमारे अतिथि हैं हाथरस में डिस्ट्रिक्ट फोर्स सेफ्टी ऑफिसर के पद पर कार्यरत, हिंदी में अपनी लेखनी और विचारों से लोगों को रक्त चरित्र और ख्वाहिशों का सफर जैसी बहुत अलग अलग, मतलब रक्त चरित्र बिल्कुल अलग है, हर आदमी की फैंटेसी होती है, मतलब बचपन में हम सब एक हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, हमारी दादियां वो नहीं सुनाती हैं, अलग बात है, पर आज यूट्यूब में ऐसी कहानियां है। तो रक्त चरित्र मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सर एक काउंसलर भी हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे कॉलम्स आते रहते हैं इनके, लगभग हर हफ्ते मैं एक आध कॉलम्स देखता हूँ सर के, कभी न्यूट्रिशियस फूड पर, कभी कैसे कि जो खाने की चीज़ों में जो मिलावट है उसको कैसे पकड़ें, और कभी अपना कैरियर कैसे बनाएं किसी फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो अभी हालिया एक कॉलम आया था जिसमें सर ने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे कॉलम बनाएं। तो आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें सुन के, और फिर अपन बात करेंगे नई वाली हिंदी के बारे में। सर थैंक यू पवन जी। जैसे सर विकास हुआ, जैसा आपने कहा हिंदी का विकास हुआ, हो रहा है विकास, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।
तो उसी तरह हिंदी की भी बात विकास हो रहा है। एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी, तो हिंदी भी हर जगह की हिंदी अलग है, तो आप किसी को ना सही कह सकते हैं ना किसी को गलत कह सकते हैं। जैसे अभी हम यूपी में हैं, यूपी में जैसे जैसे पूरब से आप पश्चिम जाएंगे हिंदी का पूरी बात करने का नजरिया अलग हो जाएगा। उसी तरह जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, बिहार की हिंदी अलग है, और लेकिन लिपि सबकी देवनागरी लिपि ही सर्वमान्य है, और जो हम लोग लिखते हैं अधिकांश लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, और बाकी जो उनकी बोलचाल की भाषा है उसमें वो जो नॉर्मल वहाँ का जो टोन होता है वो प्रयुक्त होता है। तो इस तरह हिंदी को आप एक जैसे साहित्यिक हिंदी और नई वाली हिंदी में इसीलिए विवाद हो रहा है, कुछ लोग जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं नई वाली हिंदी बकवास है या जो भी कहते हैं, तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि कुछ पे एकदम बंधन लगा दिया जाए। और फिर दुर्भाग्य से हिंदी के साथ हिंदी वालों ने ही अन्याय किया, हिंदी बोलने में हिंदी वालों को ही शर्म महसूस होता है, और इसलिए हिंदी की आज बहुत अच्छी स्थिति फिलहाल नहीं है। की दूसरी भाषाएं जो है जैसे बंगला हुआ, तेलुगु हुआ, उसमें लोग साहित्य में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसका एक अपना एक सशक्त साहित्य। हालांकि देश में अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और हिंदी एक सुगम भाषा है, और अगर कोई भले कितना भी अच्छा इंग्लिश बात करता हो लेकिन सपने तो हिंदी में ही देखता होगा अगर वो हिंदी माध्यम का हिंदी वर्ल्ड का आदमी होगा। आप भले ही इंग्लिश में सब कुछ लिख रहे हैं, इंग्लिश में अपना करियर बना रहा है, इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं समाज, लेकिन सपने अगर हम देख रहे हैं तो हिंदी में ही देखेंगे, अपनी जो मातृभाषा है या जो उसकी लोकल लैंग्वेज है उसी में वो देखेगा। लेकिन वही है कि हमें अपनी दिखाने के लिए, प्रभावशीलता के लिए हम हिंदी से दूर होके दूसरी भाषाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हम कूल बनने के चक्कर में हिंदी छोड़ते हैं और फिर जब नामाकूल बन जाते हैं तब फिर से हम हिंदी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन सर जो ये बदलाव हुआ है हिंदी में, है ना, आप जब बचपन में थे, जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ अलग तरह की हिंदी थी, जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग तरह की हिंदी है, जो अब नई वाली पीढ़ी आएगी वो कुछ दूसरी हिंदी पढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो जरूरत थी या कि एक्सपेरिमेंट था, मतलब जो ये बदलाव था ये वक्त की नजाकत थी या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, इस देखिए विकास की एक अनवरत प्रक्रिया चल रही है। जैसे पहले हम लोग के जमाने में जो छोटे थे तो लैंडलाइन चलता था, फोन मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, आज हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट से जुड़ा हुआ, हम लोग सोचे भी नहीं थे इंटरनेट है। तो जैसे हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम हम लोग हिंदी देवनागरी में लिखते थे, अब रोमन हिंदी आ गई है, अब हिंदी को भी मतलब देवनागरी लिपि भी लोग खा गए, और मतलब और अब तो मतलब टाइप भी करने के लिए लोग सोचते हैं बस वॉयस टाइपिंग का यूज कर रहे हैं। तो गूगल इंडिक नहीं होता तो अभी बहुत सारे में लिख रहे होते हैं। जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जैसे पहले क्या था, साहित्यिक हिंदी की बात होती थी, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जो बड़े बड़े साहित्यकार थे तो उनकी हिंदी थोड़ी सी आपकी लिस्ट, आज का युवा उसको नहीं पढ़ना चाह रहा। उसका कारण है कि आज का युवा जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो हिंदी बस उतना ही जानता है कि जो घर में बोल रहा है, हिंदी की जो आप ग्रामेटिकल कह सकते हैं उसको उसकी बहुत ज्यादा समझ नहीं है। और नोटलिस्ट जैसे मैंने ही राग दरबारी एक बहुत अच्छी उपन्यास है लेकिन मैं उसको कई बार पढ़ने की कोशिश किया, नहीं पढ़ पाया, दो चार पेज पढ़ के लगता है कहां से कहां ले जा रहे हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद को सब लोग पढ़ते क्योंकि उन्होंने एकदम आसान भाषा में लिखा है, कोई उठा लेगा तो उसको आराम से पढ़ सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े साहित्यकार है जैसे मैला आंचल है, लोगों मैं आज तक नहीं पढ़ा हूं, मेरे पास पढ़ी है लेकिन बस वही कठिन है। तो लोग क्या होता है कि लोग हर आदमी इजी गोइंग होना चाह रहा है तो इसलिए थोड़ी सी चेंजेस हो रहे हैं। अब हमको जितनी आसानी हो रही है, जैसे एक समय था कि हम लोग टेलीफोन पे बात करने दूर दूर जाते थे, फोन आता था, तो अब सबके घर फिर फोन आया, बटन वाला फोन आया, फिर स्मार्टफोन आया, फिर इंटरनेट। तो जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे चेंजेस आएंगे, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होंगी, लोगों के होंगे, अब तो पढ़ना भी लोगों को पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लोगों की रीडिंग हैबिट भी कम हो रही है, अब लोग वीडियो देखना चाह रहे थे। पहले क्या था, बड़े बड़े वीडियो तीन तीन घंटे के देखते थे, अब क्या शॉर्ट टर्म वीडियो आ गए, तीन सेकंड मतलब तीन मिनट के वीडियो भी भारी लगते हैं कि यार कितना बड़ा है, हटाओ छोड़ दो, तो 20 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो आ गए। तो मतलब जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगे बदलाव आएंगे, बदलाव एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो उसी तरह बदलाव होंगे। और बिल्कुल अभी हम लोगों ने टीवी का जमाना देखा, तीन तीन साढ़े तीन घंटे की पिक्चरें देखी, लेकिन अब समझ में नहीं आया हम लोगों को कि कब हमको वेब सीरीज की आदत लग गई, और अब वेब सीरीज से भी नीचे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते थे, इंतजार करते थे संडे को पिक्चर आएगी, सैटरडे को पिक्चर आएगी। बिल्कुल,
है ना। तो अब रील्स का जमाना है, रील्स देखते हैं लोग 10-10 सेकंड की, 15-15 सेकंड की, लेकिन हर चीज जब इंट्रोड्यूस होती है सोसाइटी में तो उसका विरोध होता है। जब हम शुरू में हम लोग छोटा वाला फोन लेकर के जाते थे तो समाज के लोग, परिवार के लोग कहते थे कि बच्चे बिगाड़ रहे हो, फोन दे दिया है तुमने। लेकिन अभी हमारे खुद के भाई हैं या कि बाकी छोटे बच्चे हैं, वो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, लगभग नॉर्मल है वो चीज। अब तो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हैं तो सबके पास एक जस्टिफाइड रीजन है। कोरोना ने चेंज कर दिया तो क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगे, अब बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल जस्टिफाइड है। मेरे समझ से कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा वो, एक सुनाई बातें होंगी कि क्लासरूम टीचिंग होती थी, क्यों भाई क्यों कोई जाएगा स्कूल पढ़ने। वैसे छोटे बच्चों के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद एकदम से खत्म हो जाएगा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की दुर्गति हुई, वैसे क्लासरूम टीचर की टीचिंग की भी वही हाल होने वाली है। लोग जाना हालिया सिनेरियो यही है कि लोग क्लासेस जाना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली कॉलेज में। मास्टर्स में तो अगर कोई कॉलेज जाए तो मजाक उड़ाते हैं उसका कि तुम मास्टर्स में और कॉलेज जा रहे हो, है ना। तो सर सोसाइटी में जब कोई नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हिंदी का विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को लेकर के आप लोगों ने उसको जस्टिफाई किया टाइम टाइम पर, लेकिन आपने जो यूज किया अपने किताबों में, जिस हिंदी को आपने एक शायद परिभाषा, जिस जो उसकी परिभाषा है नई वाली हिंदी की, उस परिभाषा को चरितार्थ किया अपनी किताबों और रचनाओं के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस आए आप लोगों के सामने? क्योंकि पाठक की तो जरूरत थी ही, आप लोगों को पता था कि पाठक ये पसंद करता है, लेकिन जो आपका साहित्यकार वर्ग था, वरिष्ठ साहित्यकार वर्ग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऑफेंडेड महसूस कर रहे थे आप लोगों की जो भाषा थी उसको लेकर के। तो कैसे इन चीजों को हैंडल किया आप लोगों ने? देखिए नई वाली हिंदी कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से आई हुई चीज है, नई वाली हिंदी में जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। जो मतलब अब जैसे स्टूडेंट लाइफ में हमें, जैसे ज्यादातर आप जो देख रहे हैं नई वाली हिंदी की जो किताबें आ रही हैं स्टूडेंट लाइफ पे आ रही हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में हम जैसा जी रहे हैं वैसा ही लिखे, मतलब हमने कुछ छुपाया नहीं है। जैसी हमारी भाषा है हॉस्टल लाइफ में हर आदमी वो जीता है। होता क्या है, जो साहित्यकार वर्ग जिसको कहते हैं, जो अपने आप को तथा कहीं साहित्यकार मान रहा है, हम लोग तो मानते ही नहीं अपने आप को। हम तो बस हाँ हिंदी लिख रहे हैं, हमारी शौक है, उस शौक की खुशी के लिए अपना लिख रहे हैं, अपना और अपनी बात आप तक रख रहे हैं। आपको पसंद आ रही है तो आपको भी अच्छा लग रहा है, और जो साहित्यकार तथा कहीं वो भी, उनको भी वो चीज पसंद है। लेकिन होता ना कि हम करे करता कुछ है और दिखाने के लिए हम बहुत बढ़िया, जैसे हम भी घर पे टी शर्ट और पैंट पहने, हाफ पैंट, और जब बाहर निकलेंगे सूट बूट पहन के निकलेंगे, थोड़ा सा निकलेंगे जेंटलमैन दिखना चाहेंगे, तो वो जेंटलमैन दिखने वाली स्थिति है। और इसीलिए देखिए नई वाली हिंदी, मैं ये नहीं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि नई वाली हिंदी को ज्यादा पाठक मिल रहे हैं और पुरानी जो साहित्यिक हिंदी है उनकी तुलना में। हाँ साहित्य हिंदी का भी अलग एक पाठक वर्ग है जो उसको पसंद करता है, और हाँ नई वाली हिंदी को लोग बाग मतलब विरोध भी कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसा है नहीं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है। किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, तो आप इस तरह कोई किसी को इनकार नहीं कर सकते। अब बहुत सारे जैसे अपने वेब सीरीज के भी विरोध करने वाले हैं, अब दूरदर्शन के जो अभी आपने जैसे आकाशवाणी और का उदाहरण दिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन वालों से पूछेंगे तो कहें यार FM और ये जो प्राइवेट चैनल है आज तक ये सब क्या न्यूज दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे TRP तो उनके पास ज्यादा है, तो पसंद कर रहे तभी तो आ रहा है। मैं तो आए दिन यही देखता हूँ, मैं खुद आकाशवाणी में जाता हूँ तो हमें बताया जाता है कि ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं, इस तरह की वोकैबुलरी हमारी वहाँ पे लिखी हुई है कि ये शब्द नहीं आने चाहिए, गाने को गाना नहीं बोलना है, गीत बोलना है, है ना, हेलो नहीं बोलना है, नमस्कार बोलना है, या फिर जो जैसा है ना, तो हमेशा विरोध होते हैं। जी जी तो वही है कि मतलब, लेकिन एक्सेप्टेंस क्या है, आप क्या उनसे वो नॉर्मल रूटीन में जो कह रहे हो क्या गाना की बजाय गीत कहते होंगे, वो भी गाना ही कहते होंगे, लेकिन जब वहां बैठते होंगे कैमरे के सामने या माइक पे तो वो बिल्कुल उसको थोड़ा सा अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कभी कभी वो चोगा पहनना जरूरी होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि चोगा पहन के निकलना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनका भी अपना आलोचना की बात ही नहीं है, बस हम क्या है कि हम लोग जो नई वाली हिंदी के लोग हैं उन्होंने मार्केट समझा, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया मुझे लगता है, और उसी की वजह से आज अगर रक्त चरित्र की कोई कहानी ले लें तो हम कनेक्ट कर जाएंगे उससे, है ना। जो इंस्पिरेशन है उस बच्चे की जो IIT के लिए प्रिपरेशन करता है, उसके बाद BA में एडमिशन लेता है ना, फिर उसके बाद ब्रेकअप और ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों से। अगर वही चीज़ यही स्टोरी अगर साहित्यिक भाषा में लिखी होती फिर भी उतना मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उतना कनेक्ट कर पाता। मेरे दिमाग में आज भी दिल्ली दरबार के डायलॉग्स नहीं रहते, वो झाड़ी या फिर सर्किट, जो ये शब्द हैं नए नए शब्द आए हैं हिंदी ने हमको दिए हैं, स्पेशली नई वाली हिंदी ने दिया है ना, डूट बिरो,
है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी जो प्रेमचंद्र की भाषा है उसमें शायद वो तंज तो है लेकिन तंज के साथ साथ एक कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो यूथ है वो नई वाली हिंदी से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर जाता है और शायद ये अच्छी बात है कि जो नए लोग हैं वो समझ पा रहे हैं इस चीज को और उस चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ और चीजें हैं जैसे मान लीजिए कि एकेडमिक यूज में अगर हम देखें एक टाइम होता है मेरे कुछ मित्र हैं जो पीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं है ना, मेंस की भाषा को देखें तो वो लोग कहानियां पढ़ते हैं अलग अलग है ना, एडिटोरियल्स में जो कॉलम आते हैं हिंदी के जनसत्ता वगैरह में है ना वो कॉलम पढ़ते हैं। तो क्या कोई आदमी इन चीज़ों का जो नई वाली हिंदी में ज़्यादातर जो कंटेंट लिखा गया है मुझे लगता है कि उसमें हल्की हिंदी है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं फिर क्या कहना चाहेंगे इस बात में कि एकेडमिक यूज़ क्या है इस हिंदी का? देखिए ये तो सच्चाई है कि एकेडमिक यूज नहीं है इसको, तो हम एकदम मैं ऑलरेडी जनसत्ता में लिखता हूँ, संपादकीय में लिखता हूँ, नैनी जागरण वगैरह में भी लिखता हूँ, तो वहां की जब भाषा लिखूंगा तो वो एक स्टैंडर्ड भाषा होगी वरना वो पब्लिशर छापेंगे नहीं, प्रकाशक छापेंगे नहीं उसको। नहीं तो भाषा तो आपकी इवन स्टैंडर्ड है इसमें भी, ख्वाहिशों के सफर में भी आपकी भाषा स्टैंडर्ड है जी, जो नई वाली हिंदी के सफर में भी जो आपकी भाषा है वो स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि बाकी ज्यादातर जो नई हिंदी में लिखा जा रहा है उसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपने समझ के रखा है, मेंटेन करके रखा है जो शब्द हैं खास करके। देखिए होता क्या है जैसे जो पिक्चर बनाता है कोई डायरेक्टर तो वो दो तरह की चीजें बनाता है, कभी अच्छी बनाएगा कभी कुछ दूसरे, हर चीज का अलग अलग पाठक वर्ग है। तो जो नई वाली हिंदी पढ़ के सोचे कि हम इससे अपना भाषा सुधार लेंगे तो मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि ऐसा करने की वो कोशिश ना करे क्योंकि वो दूसरे कार्य के लिए लिखी गई है, वो एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई। अब आप वेब सीरीज में आप वेब सीरीज की हालत देख लीजिए, उसमें सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो हमारे ऐसा नहीं कि वो कोई नया चीज ला रहे हैं, वो हमारे समाज में ही है। वेब सीरीज में जो भी गालियां इस्तेमाल हो रही वो लोकल समाज में इस्तेमाल होती हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी कुछ नई क्रिएशन कर दी है। तो उसी तरह नई वाली हिंदी में जो हमने किया है स्टूडेंट लाइफ में जो हो रहा है वही लिखा है, थोड़ी बहुत 19-20 कर रहे हैं। और जब हम अखबारों में संपादकीय लिखते हैं या मैं जैसे योजना और कुरुक्षेत्र में भी लिखता हूँ जो कि उसमें मेरे बहुत सारे लेख आते हैं, साल में 3 लेख ही एक लेखक का होता है, वो 3 लेख मेरे जाते ही जाते हैं, तो वहां पे जब मैं लिखूंगा तो दूसरी चीज हो जाएगी, जब यहाँ लिखूंगा दूसरी चीज, क्योंकि वहां पे कंपटीशन की तैयारी करने वाला लगा पड़ रहा है, उसका माइंड सेटअप लेवल दूसरा है उसको, क्योंकि वो जब भाषा नहीं पकड़ेगा और ये जो हमारी जो नई वाली हिंदी है उपन्यास है तो उसको कंपटीशन वाले लड़के नहीं पढ़ते। मैं अपने कंपटीशन की तैयारी के दौरान मैं 2 बार इंटरव्यू दिया है इसका, कभी नहीं पढ़ा नॉवेल वगैरह क्योंकि हमें उसकी हम उसमें टाइम नहीं है, हम वही जनसत्ता के संपादकीय पढ़ेंगे, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे, लेकिन हम कहेंगे जब हम सिलेक्शन हो गया सब कुछ हो गया फिर आगे दूसरी दुनिया में तो फिर अच्छा लाओ नॉवेल पढ़ते, ये भी एक भाई जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, ये भी छूटा हुआ है, उसको पढ़े तो उसको लगा यार इसमें भी कुछ लिखना चाहिए तो फिर उसमें लिखना शुरू किए। तो बच्चों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट चयन करना चाहिए। नई वाली हिंदी को उपन्यास पढ़ा के हम अपनी भाषा सशक्त करेंगे या लेखनी सशक्त करेंगे तो फिर ये फिर गलतफहमी में नहीं रहना। कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर ऐसी हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसको एंटरटेनमेंट तक सीमित रखें, उसमें मेंस का मटेरियल मत ढूंढें है ना जी। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं 2-3 किताबें डार्क हार्स पढ़ लीजिए, 12th फेल पढ़ लीजिए और हमारी ख्वाहिशों के सफर पढ़ लीजिए तो सिलेक्शन ना ही नहीं। आप इसको तब पढ़िए जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक ये दूसरा काम करेगा या आपको मोटिवेशन लेवल बढ़ाएगा, इससे आप कोर्स में कुछ फायदा नहीं होगा। होता क्या जब हम तैयारी करते करते एक बार ऊब जाते हैं सब कुछ करते करते तो आपका लगता है क्या करें यार, और फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, असफल हो रहे हैं तो लगेगा यार कुछ ऐसी चीज पढ़े कि हाँ सच्चाई, और ये सच्चाई है जो इतने भी लिखा डार्क हॉर्स ने भी लिखा, तो वो हालांकि फ्रिक्शन नावेल है, मेरे भी फ्रिक्शन नावेल है, या जो 12th फेल तो मान लीजिए वो तो उनकी सच्चाई सच्ची घटनाएं कहते हैं, तो लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ है, जो भी कहानियां लिखी जाती हैं वो हमारे जिंदगी में घटित होती है, हो सकता है हम कई लोगों की घटित जिंदगी कहानियों को जोड़ के एक साथ कहानी बना के बनाते, तो ये चीजें हैं। तो हम जब फिर असफल होने लगते हैं तो फिर लगता है यार अब तो अब नहीं कुछ रास्ता है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन आएगा तो हम उस पर बूस्टअप करना शुरू करेंगे। ये कैटलिस्ट का काम करता है, एक कैटलिस्ट साइंस में केमिस्ट्री में होता है कि वो कुछ करता नहीं लेकिन आपकी जो प्रेरणा कर देगा वो मोटिवेशन लेवल हाई कर देगा, वो काम करेगा ये जी। हाँ, तो उत्प्रेरक को उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग करें ना कि उसको कंटेंट के तौर पर देखें, कंटेंट ना बनाएं कभी जी बिल्कुल। तो सर ये जो भाषा में बदलाव है वो आपके पाठक को कैसे प्रभावित कर रही है, क्या मतलब वास्तव में जो उसका स्टैंडर्ड है मतलब सोचने का या बात करने का, क्या वो समाज में एक नकारात्मकता पैदा कर रहा है
ऐसा भी होता है कि जो भाषा का इस्तेमाल है, लोग कूल कूल दिखने के लिए गाली का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं क्या, इस हिंदी के प्रभाव में आकर या कि वेब सीरीज के प्रभाव में आकर, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, जब आप स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो स्टूडेंट की तरह व्यवहार करेंगे, अपने घर पे अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो उनके साथ उस तरह की बात रखेंगे। ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि वेब सीरीज के कारण लोग बाग गलत सब लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे या नई वाली हिंदी में कुछ इस तरह की चीजें लिख दी गई। देखिए, जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ आप ये सोचे हरदम कूल दिखना चाहिए, एकदम जेंटलमैन बन के रहेंगे, तो फिर वो आपको फिर बोझिल होने लगेंगे आप उससे भी कि यार क्या मतलब। तो हमें क्या है कि हर पहलू जिंदगी के होते हैं। मैंने क्या कहा, जब तैयारी किया मैंने कभी नहीं पढ़ा नावेल वगैरह, लेकिन जब तैयारी के बाद एक टाइम के बाद लगा आप तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी देखा जाए, पिक्चर भी देखा जाए, तो आप देखिए इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ के बस पढ़ लिए और अपना एंटरटेनमेंट करिए। उससे आपको अगर कैटलिस्ट कुछ मिलता है, कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, दिशाएं मिलती हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन ये नहीं कि उसको जिंदगी के अपने जिंदगी में ढाल लीजिए और वैसे बिहेव करने लगेंगे। और फिर सबसे बड़ी चीज, एक कहावत है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतने को मिलेगा और आप फिर अपने सुधरेंगे। जैसे आप किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं तो फिर वो आपको एक आदमी मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे से भी गलत, लेकिन एक जगह आपको ऐसा ठोकर मिलेगा कि फिर आपको ऑटोमेटिक चेंज होना ही पड़ेगा, अकल आ जाएगी जी। ये वक्त और परिस्थितियां आपको खुद बदलने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये नहीं कि आप कह दिए कि नई वाली हिंदी पूरा कल्चर खराब कर रही है और साहित्यिक हिंदी, आप साहित्यिक हिंदी में बहुत अक्लिष्ट चीजें इस्तेमाल कर लीजिए और हम पढ़ ही ना पाए या हमको उसमें इंटरेस्ट ना आए, तो फिर आप क्या फायदा उसका, कोई मतलब नहीं है रख के पढ़ने के। जिसे क्या हुआ, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और संस्कृत को एक मतलब देव भाषा कहते हैं। अब ये हालत है कि संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता। हमारे पिताजी संस्कृत के लेक्चर रहे हैं और संस्कृत मुझे कुछ नहीं आती है, एक लाइन अगर मुझे पढ़ के हिंदी उसका मतलब मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूं, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो लेकिन अब हिंदी के वो साथ भी वही, क्यों हिंदी क्यों विलुप्त हुई, जो नई वाली हिंदी है ये इंग्लिश, आप जितने भी इंग्लिश नॉवेल देखेंगे लगभग इससे मिलती जुलती आ रही है, क्योंकि जो भी नई वाली हिंदी के लेखक हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से, जैसे चेतन भगत उठा लीजिए, वो भी नई वाली हिंदी के कैटेगरी में ही है, तो वो क्या है? उनकी बेस्ट सेलिंग है, बिल्कुल वो नई वाली हिंदी के इंग्लिश प्रारूप है। हिंदी में पाठक क्यों भागने लगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट खत्म होने लगा उस चीजों में। और जब नई वाली हिंदी आई, जो नावल इंग्लिश नावल बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि पाठक आना शुरू हुआ, कि उनको भी लगा यार जुड़ रहे हैं, हमको समझ में आ रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, हम समझ विकसित कर रहे हैं। अब जब हमारा जो इंग्लिश पढ़ने का जो मीडियम है बचपन से, अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में बच्चे हो गए, अब हिंदी मीडियम में कौन पढ़ रहा है, बेचारा जो गरीब कौम है जिसके पास संसाधन नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, आप इतना ईमानदारी से, बाय चॉइस कोई नहीं आता है हिंदी मीडियम में, बाय चॉइस कोई नहीं आ रहा है। तो आपकी मजबूरी है कि आप अगर साहित्यिक हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा है, हिंदी को एक बस कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, उसमें भी उसके नंबर आप देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर होंगे, हिंदी में कम नंबर होंगे, जबकि उसके अगर हिंदी बोली जा रही है। इवन सिलेक्शन को लेकर के जो सिविल सर्विसेज में लोग अपीयर होते हैं, एस्पिरेशन जो रखते हैं सिविल सर्वेंट बनने का, तो उसमें रेशियो जो है अनुपात नहीं कह सकता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पाना बहुत कठिन काम है, यूपीएससी बिल्कुल अनुपात देख सकते हैं सब, हर साल का अनुपात देख सकते हैं। आप ये बताइए कि पीटी में मेरे समझ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के 50-50% होते हैं, बिल्कुल लगभग जैसे ही में हम जाते हैं, तो क्या पीटी में अगर हम फाइट कर रहे हैं उनसे तो मेंस में हमारे नंबर क्यों कम हो जा रहे हैं, जबकि हमारे पास कंटेंट भी उस स्तर का नहीं अवेलेबल है, लेकिन हम उनसे अच्छा लिखते हैं, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं वो बेहतर है, बिल्कुल शैली तो बिल्कुल बेहतर है। मैंने देखा है दो चार मेंस में जो अपीयर कर रहे हैं मेरे मित्र, तो कुछ इंग्लिश मीडियम से कुछ हिंदी से, तो जो हिंदी वाले हैं वो मतलब राज करते हैं, इवन वो गाइड करते हैं, और इंग्लिश वालों के पास कंटेंट है, नो डाउट बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट में या फिर ऑफलाइन भी, लेकिन जो शैली है जो स्तर है उनकी समझ का, वो मुझे लगता है कि बहुत बार बेहतर होता है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब हो जाते हैं। शायद वो इन्फ्लुएंस है हिंदी और इंग्लिश के बीच में जो गैप है, एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, उनका माइंड सेटअप होता है इंग्लिश वाला बहुत अच्छा है और हिंदी वाला बेकार है, जबकि हिंदी वाला मीडियम का बच्चा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इंग्लिश वाले की तुलना में ज्यादा मेहनत करता है। मैं रहा हूँ दिल्ली में, तैयारी करता था, इंग्लिश मीडियम वाले मुखर्जी नगर में घूमते थे, सब कुछ करते थे, हम लोग केवल किताब लेके पढ़ते रहते थे जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, उसके बाद भी नंबर आना बता लगा कि मेंस में कम नंबर आ गए किसी कारण से,
तो और ये उनको लगता है इंग्लिश वाला बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी काम कर रहे हैं आईएएस के साथ, तो हमें लगता है अरे यार क्या मतलब झेलाने वाली चीज है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत इसको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत बार हमको ये देखना पड़ता है, और जब हमारे साथ हो चुका होता है तब तो सच में लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं पे मतलब भेदभाव है थोड़ा सा। लेकिन एक और चीज है, अगर हमको ऐसा लगता है तो क्या हम जो अपना नया कंटेंट आ रहा है हमारा इस हिंदी में, आज की हिंदी अगर हम बात करें, आज की हिंदी में जो कंटेंट आ रहा है, इन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक जिम्मेदारी भी साथ में आती है कि कहीं ना कहीं वो लेवल प्रदान करें, या फिर वो डिसेंसी, एक कहीं पे थोड़ा सा डिसेंट कम लगता है लोगों को जो नया कंटेंट है, तो क्या डिसेंसी को मेंटेन रखने की भी कोशिश करनी चाहिए जो नए डेवलपर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स हैं, राइटर्स ऑथर्स जो हैं? समस्या क्या है, जब हिंदी का बच्चा सेलेक्ट हो जाता है ना तो कंटेंट के छोड़ के अपना दूसरी दुनिया जीता है, और जब इंग्लिश के वाले सफल होने के बाद भी, जैसे अनअकैडमी एक है, वो सफल होने के बाद भी छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने अपना कंटेंट डेवलप करना शुरू किया। तो इंग्लिश में क्या कंटेंट डेवलप करना, उसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और हिंदी में क्या कि जब हम लिख भी देंगे कितना अच्छा तो बदला उसका सेल ही नहीं है, तो फिर उसमें हमारा कैरियर नहीं है। समस्या क्या आती है, हर जगह प्रॉब्लम क्या है, पैसे की, अर्थ की प्रॉब्लम। इसीलिए अभी आप जैसे साहित्यिक हिंदी क्यों पिट रही है, क्योंकि उसमें पाठक नहीं है, पब्लिशर भी मार्केट नहीं है, पब्लिशर जो है वो छाप रहे हैं साहित्यिक हिंदी। लेकिन नई वाली हिंदी को आप देख लीजिए, उनके काउंटर जब बुक फेयर में लगते हैं तो कितनी तेज है, या अमेज़न पे आप सेल देख लीजिए, नई वाली हिंदी का सेल देख लीजिए, और किसी पुरानी में नहीं। मैं किसी की आलोचना ही नहीं, सच्चाई जो है। तो जब होता है क्या कि जब वही जो हो जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो अपना वहाँ कैरियर ढूंढना, और जिस बेचारे का सिलेक्शन नहीं होता है वो कहीं और कैरियर ढूंढता है, सोचता है कहाँ यार फालतू में इन लोगों के चक्कर में पड़े, और फिर कुछ लोग उसमें जो बच जाते हैं वो उसी में अपना करते हैं, तो फिर वो कंटेंट अच्छा डेवलप हो नहीं पाता है। जो अच्छी क्रीम लड़के होते हैं वो तो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, और जो बच जाते हैं वो उसमें अपना स्टार्ट करते हैं, वो भी आधे से ज्यादा लोग छोड़ के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें, फिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं, हिंदी के प्रति थोड़ी सी उनके अंदर संवेदनशीलता है और हिंदी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, और अच्छे मतलब अच्छा दिमाग है उनका, अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके सामने, क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, जो लिख सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हिंदी में कंटेंट अवेलेबल कम है, कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन बस वही है कि उन जो हिंदी भाषी के जो लोग हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं वो लोग, वो सच्चाई क्या है, जो हिंदी में लिख सकते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं कि अरे यार छोड़ो यार कहाँ फालतू में। तो उसके लिए क्या है कि वो उनको अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करनी पड़ेगी, जो हिंदी से जुड़े लोग हैं उनको हिंदी के प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो जो है अपने मतलब कहें कि कोशिश करें कि जो भी हिंदी का लेखक है या जो भी हिंदी के पाठक हैं उनको भी जोड़े, मोटिवेट करें कि हिंदी हिंदी को जिंदा रखना जरूरी है। समस्या हमारे आने वाले वक्त में हिंदी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, बड़े बड़े ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, हिंदी को कोई भरोसा नहीं जिंदा रहे, क्योंकि जब अगर प्रोत्साहित नहीं किया गया ढंग से तो हाँ म्यूजियम में मिलेंगे लोग हिंदी बोलने वाले या फिर हिंदी पसंद करने वाले। हिंदी पसंद करने की मतलब समस्या जो है, तो अब जैसे यूपीएससी में है बहुत बुरी स्थिति चली गई, तो लोग बाग अभी छोड़ रहे हैं यार यूपीएससी में तो सिलेक्शन होना बढ़िया मुश्किल है, स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में सिलेक्शन जो हो भी रहे हैं बहुत लो रैंक पे हो रहे हैं, एक दो को प्रॉपर आईएएस मिल जा रहा है तो वो ही फिर आ रहे हैं चेहरा दिखा जा रहा, उनको देखे तसल्ली कर रहे लोग हिंदी वाले कि हाँ चलो ठीक है एक तो सेलेक्ट हुआ दो सेलेक्ट हुए, लेकिन बस वही दिल को तसल्ली देने वाली स्थिति है। लेकिन जब आप जा रहे हैं कंपटीशन में जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट में, तो फिर बहुत बुरी स्थिति है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है, जो पाठक है उनकी भी जिम्मेदारी है, जो पाठक से जो लेखक हैं या जो कंटेंट लिखने वाले हैं या जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसको डेवलप करने की कोशिश करें, इसमें प्रयास करें कि सब लोग एक सहयोग से सब लोग साथ में मिलकर एक अच्छा प्रयास करें। क्योंकि देखिए अभी आप दूसरे लैंग्वेज में नहीं प्रॉब्लम है, गुजराती में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तेलुगु में भी हो रहे हैं, तो उर्दू में भी सिलेक्शन हो गए, लेकिन हिंदी में के साथ जब आप जो हिंदी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल जो रेशियो है तो रेशियो है रेशियो जो है अपीयरिंग स्टूडेंट्स का और सिलेक्शन पाने वालों का वो बहुत कम है, ये तो जाहिर है। तो उसमें सबको एकजुट होकर एक मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा कि इसको रिफाइन किया जाए, इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट आए जिससे कि जो स्टूडेंट उन्हें मिले कंटेंट, और जो पाठक हैं वो प्रमोट करें उनको स्टूडेंटों को कि लोग बाग ये करें कि अब होता क्या जैसे कोई एक बड़ा लेखक हिंदी का आ गया वो अपने के अलावा फिर दूसरे को नहीं प्रमोट करता है, जो भी बड़ा लेखक है यार हमारा हो गया, तो जब सब मिलके करेंगे तभी हिंदी बचेगी। वरना आप सोचो कि नहीं हम तो बड़े लेखक हो गए दूसरे को हमको क्या जरूरत है प्रमोट करने की, हम पवन जी को क्यों कहेंगे, पवन जी बहुत अच्छा लिखते हैं पब्लिक मंच से,
तो फिर आपको फिर आप अपना स्ट्रगल करके अगर मान लीजिए आपने जगह बना ली तो फिर आप कभी मेरी बात नहीं करेंगे ना कभी किसी और की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हिंदी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे समझ से कि लोग एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम एज अ कम्युनिटी अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, हम अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, जो दो चार राइटर्स अलग खेमे में हैं, दो चार अलग खेमे में हैं। अगर सब इकट्ठे आ रहे हैं वो नई वाली हिंदी के पीछे पड़े हैं, नई वाली हिंदी अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी हिंदी बोल, हम भी हिंदी के ही हैं बच्चे और सच्चाई भी है हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो अभी हमको ये बताना पड़ेगा, बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा मतलब लगभग अच्छे होते हैं अपनी पुरानी वाली जो जनरेशन है उससे अपग्रेडेड वर्जन होते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए। और हम सबको एक साथ में एक कम्युनिटी डेवलप कर लें अगर, और एक मंच मतलब प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, तो एक प्लेटफॉर्म हम दिला सकें खासकर उन लोगों को जो जिनके अंदर एक ललक है हिंदी को कुछ देने का, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लेवल पर हो, चाहे वो लिटरेचर के लेवल पर हो, चाहे वो एक स्टैंडर्ड कंटेंट ज्योग्राफी या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में कुछ भी लिखने या फिर पढ़ने का हो। तो एक जो अच्छा कंटेंट डेवलपर है या फिर जो एस्पिरेशन रखता है, हम लोगों को कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी साथ में आना होगा और उनको सपोर्ट करना होगा, बिना ये देखे कि ये कल मुझसे अच्छा कर ले जाएगा तो क्या करूंगा मैं, है ना। नहीं देखिए, अगर जब सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का तो अच्छा कर रहे हैं तो हमारी हिंदी तो बच रही है। मेन हमारा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी को बचाना हमें, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। हमें हमें अपनी नहीं देखनी है, हमें हिंदी को देखनी है, जो भी हिंदी बोल रहा है उसको प्रमोट करें, हाँ अच्छी बात है आप हिंदी में बोली बात करिए। अब पता हम वो एक लाइन इंग्लिश बोला, मैंने उसको इंग्लिश बोला तो फिर वो कहेगा कि यार तो सामने वाला संकोच में भी थर्ड तीसरी लाइन हिंदी इंग्लिश बोलेगा। अब वो जैसे नई वाली हिंदी वाले बच्चे हैं तो ये नई वाली हिंदी की बात कर रहे हैं, और जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं नहीं यार ये तो कंपटीटर आ गया, ये तो मेरे ही हुआ है। कुछ नहीं कंपटीटर, सबका सबको मिल रहा है अवसर, लेकिन जब हिंदी वाले रहेंगे तभी तो मिलेगा, और जब हिंदी वाले नहीं रहेंगे तो फिर किसी को नहीं मिलेगा मौका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट और जो पाठक और जो लेखक हैं दोनों को समझना ये पड़ेगा कि अभी जो वक्त की नजाकत है वो ये है कि हिंदी को बढ़ावा मिले, नो मैटर कौन दे रहा है, है ना, आप दें या फिर कोई थर्ड पार्टी दे या फिर कोई फोर्थ या फिर कोई अननोन आदमी दे। अगर हमको बुक स्टॉल पर कोई खूबसूरत बुक दिखती है हम उसे उठा लें, अगर हम उठा सकते हैं तो हम खरीद सकते हैं तो हम खरीद लें। बढ़ावा हम ऐसे ही दे सकते हैं, अपने लेवल पर हम जितना कर सकते हैं उतना करें। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आ रही नई हिंदी के बारे में, क्या नई हिंदी वास्तव में इतनी अलग है पुरानी से? मुझे तो नहीं लगता, मैं लगभग हर चीज से नई वाली हिंदी आसान है और अलग नहीं है। उसको अपनी साहित्यिक जो है पुरानी सोच वाले लोग वो सोच रहे हैं कि इसको अलग किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। नई वाली हिंदी जो आम बोलचाल जो भी आप बोलते हैं जहाँ की बात है तो उसकी वही चीज है। जैसे अभी आप नवीन चौधरी की मैं पढ़ रहा था जनता स्टोर, तो वो उनके लैंग्वेज पे थोड़ी सी राजस्थानी लैंग्वेज या उस तरह के टच आ रहे थे। तो और जो एक प्राचीन हिंदी की जो साहित्यिक हिंदी जिसको बोलते हैं एकदम स्टैंडर्ड पैमाना है, वो वहां का लेखक लिखेगा तो ही वही लिखेगा, और ऑल ओवर इंडिया जो भी लेखक लिख रहा है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स पैमाना उसी पे लिख रहा है। जब हम लिखेंगे तो हम अपनी भोजपुरी टच थोड़ा डालेंगे, या बिहार का जो लेखक है थोड़ा जैसे मिला थोड़ा सा भोजपुरी टच डालते हैं। तो हम क्या है कि जहां पे है उस स्तर से लिख रहे हैं और वहां की एक एक मतलब सामाजिक परिदृश्य को एक दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे ऐसा है। तो आप लेकिन जो साहित्यिक हिंदी वो एकदम स्टैंडर्ड पैमाना ग्रामेटिकल है तो उस पे वो बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, उससे अलग है। आप देखिए कि कहाँ अलग है। हाँ वो कहते हैं कि बहुत ये मतलब इनका घटिया भाषा शैली है या इसमें मानकता नहीं है या ये बहुत लो 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 लेवल पे लिख रहे हैं। तो कहने के लिए उनको जो कहना है हमें कोई नहीं इसमें, मेरे भी बुक पे कई लोगों ने लिखा कि इसमें भाषा में बहुत सुधार आ सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कहते हैं थैंक यू धन्यवाद आपके सुझाव, हम आगे देखेंगे फॉलो करेंगे। तो भाई जो लेकिन जबकि मेरी शैली वही है, मैं उसी शैली पे लिख रहा हूँ। आप कोई राजस्थानी शैली में लिखेगा या आप एमपी के हैं तो आप एमपी की शैली में लिखेगा तो हम कह रहे नहीं यार ये तो गलत लिख रहे हैं, तो आप हम यूपी वाले सबसे अच्छा बोलते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल, और इससे विविधता भी आएगी। जैसे हम बहुत सारी चीजें अगर अलग अलग भाषा के, जैसे अगर अनिल उत्पल की बात करें या फिर किसी नॉवेल्स की बात करते हैं, निखिल सचान की नॉवेल पढ़ के हमको अलग टाइप का कंटेंट मिलता है,
वही दिव्य प्रकाश दुबे जी की अगर बात करें तो उनका कंटेंट हमको एकदम दूसरे जेनर पे ले जाता है, लेकिन हिंदी वही है। और हमारे शब्दकोश में भी मुझे लगता है कि वृद्धि होती है। मैं अगर आपकी किताब पढ़ूंगा मुझे 10 अलग नए नए शब्द मिलेंगे, जो अगर मैं स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ता तो शायद नहीं मिलते, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल है और वो एक तरह के शब्द मिलते हैं। गुड़ से गुड़ शब्द डालने की कोशिश होती है उन लोगों की। हम सोचते हैं कि नया से नया, अच्छा से अच्छा, क्यूट से क्यूट, क्यूट एक शब्द है, क्यूट शब्द डालते हैं हम लोग। क्यूट, हमको हर वो चीज क्यूट लगती है जो हम हॉस्टल में बैठ के अपने दोस्तों से गपी आते हैं। गपी आना ये भी एक नया शब्द है, गप मारना है ना, मारना, तो बहुत सारी चीजें। अब किसी साहित्यिक हिंदी में गप मारना या गपियाना शब्द नहीं इस्तेमाल मिलेगा, उसको किसी और टेक्निकल ढंग से बहुत गूढ़ शब्द लाएंगे, बहुत क्लिष्ट शब्द मिला देंगे। सुट्टा मारना जो हिंदी हम कल कम हो रही है, तो के लिए ये नाव में आपकी आंचलिकता अगर थोड़ा सा उसका टच मिले ना, तो ये भी समझ में आता है कि अच्छा आपने अपने आप के अलावा भी अपने रीजन को भी कंट्रीब्यूट किया है, अपने ओवरऑल हिंदी को कंट्रीब्यूट किया है। एक कंट्रीब्यूशन जो है आपका वो सिर्फ आपके प्रति नहीं रह जाता है ना, आपने उस भाषा को थोड़ा सा धनी बनाया है, थोड़ा सा और ज्यादा सशक्त बनाया है। एक्चुअली सशक्त अच्छा शब्द होगा इसके लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि आगे की जो राह है हिंदी को लेकर के, उसमें सबको साथ में आकर के काम करने में कोई स्कोप दिख रहा है आपको कि क्या आ पाएंगे लोग? कम्युनिटी का क्या समझ है, क्या लग रहा है आपको कि कम्युनिटी में क्या ऐसा या फिर कोई मैकेनिज्म ऐसे डेवलप की जा सकती है जिसके थ्रू हम सबको इकट्ठे लेकर के आए? जैसे जश्न एकता का एक जो प्लेटफॉर्म है ना उर्दू का, मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। साहित्य आज तक ने भी अच्छा प्रयास किया है और बहुत सारे अच्छे बहुत साहित्य प्रेमी बहुत सारे मिलते हैं इकट्ठा होके। तो क्या नई वाली हिंदी में भी, जैसे हिंदी युग्म की अगर बात करें तो हिंदी युग्म ने नई वाली हिंदी को इंट्रोड्यूस कराया, एक्चुअली उन्हीं की टैगलाइन है ये, है ना, शैलेश जी की, है ना। तो उनसे आज तक का जो विकास है मुझे लगता है कि निरंतर बढ़ रहा है ये जो क्रेज है नई वाली हिंदी के प्रति, और वो क्रेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो मेरे से कनेक्ट कर रही है, मेरी बंदी से कनेक्ट कर रही है, जो बंदा है मेरे बगल में, ये जो शब्द हैं बंदी बंदा फंटी फंटा और टेम्पो कुच्चा, मतलब कोई भी शब्द है वो उसको प्यार से, इतने प्यार से परोसते हैं हम लोग मतलब हिंदी बोलने वाले या फिर कोई भी भाषा बोलने वाले लोग, कि वो सबकी आम जन की भाषा हो जाती है। और हिंदी इस चीज को, मतलब नई हिंदी ने सबसे अच्छा काम यही किया है कि आम जन की भाषा को पकड़ के उसको लिपिबद्ध किया है। तो आपको क्या लगता है कि हम एक साथ कैसे आ सकते हैं अगर कोशिश करें तो, अगर हम चाहें तो? अभी अभी मुश्किल क्या है हिंदी के अस्तित्व तो बचाने की, तो इसमें सबको एकजुट होना होगा, चाहे वो नई वाली हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर मुश्किल है हमारे लिए, भविष्य हमारा खतरे में है। दोनों की एक बराबर मतलब साथ साथ चलेगी दोनों विचारधारा, क्योंकि नई वाली हिंदी को भी पढ़ने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, और साहित्यिक हिंदी वाले भी। और ऐसा कुछ नहीं कि नई वाली जो पढ़ रहे हैं वो साहित्यिक नहीं पढ़ेंगे, जो साहित्यिक पढ़ रहे हैं वो नई वाली हिंदी नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम बार बार मिठाई खा के फिर नमकीन नहीं खाना चाहेंगे, और उसी तरह अगर हम नमकीन नहीं खा रहे हैं तो फिर मिठाई खाने की इच्छा होगी। तो जो हिंदी का प्रेमी होगा, जो हिंदी को पसंद कर रहा है, वो नई वाली को भी पसंद करेगा और साहित्य को भी पसंद करेगा। इसलिए जरूरत ये है कि सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आए और हिंदी के विकास के लिए सबको, मतलब ये किसी की कोई आलोचना करने की बजाय वो विकास की बात करें कि हाँ सब हिंदी सही है और इससे क्या कि हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ये करना होगा। वरना भविष्य में फिर हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, क्योंकि कैरियर की बहुत बुरी स्थिति है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है। अब लोग बाग हिंदी में, अब कैरियर कहाँ पे है हिंदी में? मेरे समझ से कैरियर सिर्फ एक जो लेक्चरर है या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, मेरे समझ से कहीं कैरियर नहीं है। और ये आपका दूरदर्शन कुछ जिंदा रखा है और कुछ आकाशवाणी जिंदा रखा है, बाकी एफएम में भी आप एफएम खोल लेंगे या जो भी प्राइवेट चैनल टीवी चैनल है उसमें आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए और नई वाली हिंदी और अच्छे से आनी चाहिए, है ना। जितना ज्यादा आप इंटरेक्टिव होंगे उतना बेहतर रहेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि हम सब ये समझ चुके हैं। बाकी आप क्या बोलना चाहेंगे, आप हमारे जो साथी जो हमको देख रहे हैं, हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, आप उनको क्या, मतलब अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम नई हिंदी और ये हिंदी वाला जो डिस्कशन है, उसके अलावा उसके इतर अगर बात करें, क्योंकि आप एक कैरियर काउंसलर भी हैं, तो जो हम लोगों की उम्र का है जी, जो भी मतलब अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप उस पे काम करिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मौजूद है, आप हिंदी से ही हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष ज्यादा है इंग्लिश की तुलना में, या
और दूसरे फील्ड की तुलना में। लेकिन यह नहीं कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी कैरियर के ऑप्शन उपलब्ध है, मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा संघर्ष आपको ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पाठक कम है, और जो पाठक है भी वो उनका भी इंटरेस्ट कम है, उनका इंटरेस्ट बहुत मतलब लिमिटेड हो गया है, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये देखना होगा कि वो मतलब उसमें प्रयास करें, और जो पाठक चाह रहा है मतलब अपने आप को समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। जैसे नोकिया ने नहीं बदला, नोकिया खत्म हो गया। अगर आप बदलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं हम इस तरह पढ़े रहेंगे, संस्कृत ने अपने आप को नहीं बदला, संस्कृत खत्म हो गई आज की डेट में, गिने चुने लोग। और अगर जो उर्दू है या तेलुगु है या जो बांग्ला लैंग्वेज है, इनके जो है एक कम्युनिटी इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने अपना डेवलप विकास किया, आज भी देखिए उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू में बहुत बढ़िया कैरियर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते उर्दू बहुत बढ़िया कैरियर है, लेकिन आज भी उर्दू एक है, एक तबका जो उर्दू बोलता है, उर्दू पसंद करता है, उर्दू पे जीता है, क्योंकि उसको जो है जिंदा रखने वालों की कम्युनिटी, उसको बचाने वालों को लोग हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं और उर्दू को पसंद कर रहे हैं, उर्दू में अपना जो भी बेस्ट हो रहा है वो दे रहे हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोल रहे हैं। तो इसी तरह हिंदी को भी मतलब ये कि नहीं निराश होने, अरे यार इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो हटाओ और दूसरी शिफ्टिंग करनी नहीं है, हमें उसके साथ चल के अपना जो ही, जैसे हमने हिंदी को क्या हुआ, विकास का ही एक पैमाना है कि उर्दू में आप नहीं रोमन यूज कर सकते, लेकिन हिंदी ने विकास किया और रोमन यूज करने लगे, तो हम ऐसा नहीं कि हम प्रयास कर रहे हैं, चल रहा है, तो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो मतलब बहुत बुरी हाल नहीं, बस ये है कि इसको बचाने की जरूरत है और इसमें प्रयास करके अच्छा से अच्छा करने की जरूरत है। जी, वैसे उर्दू में भी, उर्दू को भी रोमन में लिखने लगे हैं, बहुत सारे लोग शेर रख देते हैं उर्दू रोमन में, इवन रेखता रोमन वाला वर्जन प्रेजेंट करता है, तो रोमन तो हर जगह है ऑलमोस्ट, और लेकिन जो उर्दू है 70% हिंदी ही है वो भी, तो कहीं ना कहीं हम सब है ना एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, और हमको कुल मिला के जो हमारी भाषा है, जो हमारी शैली है, शैली में विस्तार करते हुए, शैली को थोड़ा सा और एडाप्टिव बनाते हुए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे अंदर आ जाए, जैसे हम चीजों को जो चेंजेस आ रहे हैं समाज में, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम का जो लिटरेचर होता है वो लिटरेचर समाज में जो चेंजेस हैं उन्हीं को दिखाता है। प्रोग्रेसिव लिटरेचर की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव तो चलिए ठीक है, वो पुराने ढर्रों पर चल रहा है, तो प्रोग्रेसिव लिटरेचर आप लोग लिख रहे हैं और अच्छी बात है कि वो पढ़ा जा रहा है। जो वेब सीरीज हैं वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को भी दिखा रही हैं, बहुत सारी खराब चीजों के बावजूद कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर इंडिपेंडेंट जो वुमन है, एक लड़की है, निखिल सचान की एक नॉवेल का मुझे ध्यान आता है, उसमें एक कहानी थी सुहागरात करके, कौन से किसी पहला नॉवेल था जो उनका 2013 में आया था, तो उसपे ऐसा था कि मर्द जो होता है वो बहुत ही समझता है, तो अब जो नई चीजें हैं, जो नया जेनर है, जो नई जनरेशन है, वो अब बहुत ही नहीं समझ रहा है, अभी उसे पता है कि लड़की भी उसे डिच कर सकती है, ये खौफ है उसके अंदर, है ना, शी इज नॉट यू नो अबला, वो अबला नहीं बची है, है ना, वो सशक्त हो रही है। जैसे ऐसे सोसाइटी है, सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि आपको आपसे जो कास्टिज्म है उसको कम कर रहे हैं लोग, इक्वलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, और हिंदी ने हमको लिबर्टी दी है, नई वाली हिंदी ने लिबर्टी दी है, एक्सप्रेशन दिया है कि जो ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं चाहिए हमको, प्रोटोकॉल मतलब कि आपको शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की परिभाषा पर खरे उतरना है, नहीं, हमारा जो मन कर रहा है हमने टाइप किया कीबोर्ड पे, अगर पब्लिशर को पसंद आ रहा है उसने पब्लिश कर दिया, है ना, तो कोई बंधन नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं है, सेंसरिंग नहीं है, और सबसे अच्छी बात है विकास के लिए सेंसर होना जरूरी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि सेंसर होता है तो विकास उस लेवल पर उस रफ्तार से नहीं जा सकता। तो अब हमारे जो साथी लोग हैं, हम लोगों को इतनी देर से सुन रहे हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें, कुछ चीजें होंगी जो हम लोगों से पूछना चाह रहे होंगे शायद, तो ऋतिक। यस सर, डिस्कशन बहुत अच्छा जा रहा है सर, मैं सेशन सुन रहा था, मुझे बीच में एक प्रश्न उठा मेरे मन में कि सर जैसे कि नई वाली हिंदी को बोला गया कि बोलचाल वाली भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नई वाली हिंदी, तो सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी लेखक ने प्रयास न किया हो कि बोलचाल वाली भाषा में लिखे, और क्या तब ये शब्द भी इस्तेमाल हुआ था नई वाली हिंदी या फिर अभी आया है, क्योंकि मुझे तो एक साल या डेढ़ साल ही हुआ है जब मैंने इस शब्द को सुना था नई वाली, और अब मैं हालांकि बार बार सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है सर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बोलचाल वाली भाषा में ना लिखा हो लोगों ने। अब मैं बहुत ज्यादा साहित्य, हिंदी के साहित्य के बारे में तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कुछ खास नहीं इस पे बता सकता हूँ कि पहले बार बात हुई या नहीं हुई, क्योंकि हिंदी मेरा कोई, मैं हिंदी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं भी नई वाली हिंदी जब से स्टार्ट हुई तभी से, पवन जी हो सकता है इनके पास कुछ जानकारी नहीं, मेरे पास तो तीन चीजें हैं, जैसा हम मंटो को पढ़ते हैं,
उन्होंने अरबिक में लिखा, फारसी में, उर्दू में लिखा, नो डाउट। लेकिन मंटो इसी वजह से गाली देते, मंडी को गाली पड़ती रही है क्योंकि उन्होंने बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल किया है, चाहे काली सलवार हो, है ना, चाहे एक वो, अरे भी ये बोल। तो अगर बीड़ी जलेले गुजर जिगर से पिया, और इसका ऑपोजिशन नहीं हो, बस ये जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म है नई वाली हिंदी, ये 2013-14 में मुझे लगता है कि हिंदी युग ने चालू किया था। वो लोग टैगलाइन ढूंढ रहे थे कि कैसे हम जनता को थोड़ा सा अपना एक टेस्ट जो है, टेस्ट चेंज करने का एक मौका दें, लेकिन उन लोगों के पास कोई टैगलाइन नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया अलग अलग तरफ से कि यार नई हिंदी रखते हैं, तो फिर उसका इम्प्रोवाइजेशन होके ये हो गई नई वाली हिंदी। तो टर्म पहली बार आया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमेशा से होते रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, हिंदी में बहुत सारे जो एनार्किस्ट कहना चाहिए, एनार्किस्ट लेखक भी हुए हैं जो लीक पर चलना नहीं पसंद करते थे। तो अभी क्या है, उनका जो बढ़ावा जो है, उनकी बाढ़ आ गई है ना, ऐसे लेखक ज्यादा हैं जो नई वाली हिंदी को पसंद कर रहे हैं, ऐसे पाठक भी ज्यादा हैं जो नई वाली हिंदी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन नो डाउट हमेशा से हिंदी में ऐसे होंगे, हर लिटरेचर में एक्चुअली जो बोलचाल कोलोक्वियल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता रहा है। फिल्मों में एडाप्टेशन जितने हुए हैं नॉवेल्स के, उनमें बोलचाल की भाषा में ही इस्तेमाल किया गया है, भले कितनी स्टैंडर्ड लिखी गई हो चीजें, लेकिन उनको बोलचाल की भाषा में पिरोया गया है, जिसे हमको और आपको समझ में आया, हम मजे कर सकें थिएटर में या फिर अपने घर में। जी सर, सेशन के बीच में मैंने एक और पॉइंट सुना था कि अभी हम डाउटफुल हैं कि हिंदी का भविष्य क्या होगा, मतलब हमारे अंदर ये एक क्या कहना चाहिए, डाउट है कि शायद इंग्लिश हिंदी को मात देकर आगे बढ़ जाए और इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा फैलता है, हिंदी उस पर दब जाएगी। तो सर, जैसे हम लोग डूडलिंग वर्ड्स एक ग्रुप है सागर में जो लिटरेचर को रिप्रेजेंट करता है, सागर सिटी में, हम बाहर भी कहें लेकिन सागर में एक सारा पहचाना नाम है हमारा, तो एज ए ग्रुप हम ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हिंदी प्रमोट हो सकती है, और हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें इंग्लिश को पीछे छोड़ेंगे, हमारे पास इंग्लिश वर्ग भी है, इंग्लिश पोएट्स भी हैं, लेकिन हिंदी का भी अच्छा खासा हमारे पास कंटेंट रहता है और लोग हमसे जुड़े हैं। तो एज ए ग्रुप हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो इस चीज को, जो हमारे पास डाउट है उसको हम एक कहना चाहिए कि हेल्प कर सकते हैं हिंदी को बचाए रखें, क्या कर सकते हैं? देखिए, हिंदी ऐसा नहीं कि खत्म होने वाली, कुछ भी दुनिया में खत्म नहीं होता है, बस वो है कि उसका प्रभाव, इंग्लिश का प्रभाव चूंकि इतना ज्यादा है और हर चीज में इंग्लिश की इस्तेमाल ज्यादा है, इसलिए हिंदी के लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं। हिंदी एक सशक्त माध्यम रहा है और हिंदी में जो साहित्य की बात रही है और हिंदी में जो जो चीज है वो आज भी इंग्लिश से या दूसरी चीजों में नहीं है। जैसे कहा कि हम सपना देखना नहीं बंद कर सकते और सपना देख रहे हैं तो हिंदी में ही देखेंगे जो हिंदी भाषी लोग हैं, है ना जी। तो ऐसा नहीं कि भविष्य खत्म है, बस ये है कि थोड़ी सी, चूंकि यहाँ पे क्या है कि लोग एकजुट होके हिंदी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि जो अपना हो गया, बड़ा हो गया, वो अपना दूसरे को काटना शुरू कर दिया। हम हो क्या रहा है कि जैसे हम अच्छे हो गए तो कल से हम फिर काटना शुरू कर दिए, पवन जी को काट दिए, ऋतिक जी को काट दिए, ये लोग आगे ना बढ़े। तो ये हमारी जो मेन मनोदशा है, ये हिंदी की सबसे बड़ी जो दुर्गति का कारण यही है। तो हमें ये कहना, हाँ ऋतिक जी भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, उनकी भी हिंदी है, काफी काबिल तारीफ है, पवन जी भी अच्छी बोल रहे हैं, जो भी हिंदी का लेखक आ रहा है या जो भी हिंदी के पाठक है उनको प्रमोट करना है। तो जब हम प्रमोट करेंगे और आपसी सहयोग करेंगे तो फिर हिंदी का विकास होता रहेगा, और विकास को हमें स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि हम कह रहे नहीं, हमने तो ये बात की कल को कोई 10 साल बाद कोई दूसरा लेखक आया, कहा नहीं इस तरह की होनी चाहिए, हम कह रहे हैं यार ये तो कहां से हिंदी की दुर्गति कर रहा है, और अन्य पाठकगण से मुझे अभी कोई प्रश्न नहीं मिला है, तो सर अगर आप और प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर हम एज अ प्लेटफॉर्म या फिर एज अ कम्युनिटी एक छोटे से लेवल पे, छोटी सी जगह पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो थिएटर एक बहुत सशक्त माध्यम होता है किसी भी भाषा को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। और थिएटर में जो इंटरेस्ट है यूथ का स्पेशली, वो एकदम ख़त्म हो गया है ना। तो थिएटर के माध्यम से जो हम छोटे छोटे नाटक लिख सकते हैं या जो नाटक लिखे हुए हैं, जो कहानियां लिखी हुई हैं प्रेमचंद की या फिर किसी भी, इवन मानव कॉल ने अपने पूरे जितने ड्रामा लिखे हैं उन्होंने,
उसको फ्री कर दिया है कि उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उन ड्रामा को फिल्मा सकते हैं, है ना, उसको उनका थिएटर में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक जो है वो बहुत अच्छी विधा है हमारे छोटे छोटे आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मास तक पहुंचने के लिए, क्योंकि थिएटर जो है, थिएटर हमारे कंट्रोल में है ना। थिएटर में हम 10 लोग 15 लोग मिलकर के अपने विजन को कहानी के साथ जोड़ करके इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, है ना। बुंदेली जैसे सागर में है, तो अगर हम किसी हिंदी के नाटक को लेकर के उसको बुंदेली टच दे करके फिर प्रेजेंट करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो लोग ईएल जेम्स या फिर हैरी पॉटर या फिर 50 शेड्स ये सब छोड़ करके थिएटर देखना, और थिएटर देखना जब लोग चालू करेंगे ना तो फिर वो हिंदी कंटेंट ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक चुल होती है, चुल करके एक नई हिंदी का वर्ड है ना, तो वो चुल आती है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा आती है कि यार कुछ और पढ़ें, मज़ा आ रहा है, बूढ़ी काकी हो गया, अषाढ़ का एक दिन हो गया, ये बहुत बार ये लोग, बड़े भाई साहब, है ना, मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, एक प्रेम 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 पॉलिटिक्स है, प्रसन्न सोनी जी का, हमारे बगल के हैं, प्रेम पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छा नाटक है, हिंदी में है, कोर हिंदी में, थोड़ी सी भाषा है उसकी जो मतलब बीच बीच में इंग्लिश इस्तेमाल की है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज भी है और बहुत अच्छा थिएटर है, और मुझे लगता है कि थिएटर बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है एक छोटी सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके आगे ले जाने के लिए। एक बड़े लेवल पर भी पहुंच जाएगा वो, आपके जैसे 10 अलग अलग लोग इंस्पायर होंगे, है ना, और बाकी सर हैं और हम सब लोग साथ में मिलकर के ऐसे बतकही करते रहेंगे, बतकही के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और समझेंगे, और हिंदी जो पाठक भी मिलेंगे और लेखक भी पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और नए गेस्ट मिलेंगे हमको सर की नई किताब आएगी, हम लोग फिर से एक बात कही करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। सियासत तिकड़म किताब आने वाली है जी जी, तो कुछ दिन अगले हफ्ते में ही हो सकता आ जाए, पॉलिटिक्स पे वो की किताब है जी, तो फिर होपफुली हम लोग लॉन्च करने में एक थोड़ी सी, है ना, तो जो तो हिंदी पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, गर्व से हिंदी पढ़ें, बोले, और हिंदी को विकास में योगदान करें, और उस हिंदी से मतलब शर्मिंदा ना हो, हिंदी को कहें हाँ ये मेरी भाषा है और मैं इसमें अच्छे से बोल सकता हूँ और अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो गर्व से बोले। और क्योंकि जो भी तेलुगु या मराठी या गुजराती या बंगला बोलने वाले हैं या उर्दू बोलने वाले, उन्होंने कहा कि मैं गर्व से हिंदी बोलता हूँ, हाँ अंग्रेजी मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरी भाषा है, तो इस भाषा को मतलब मजबूती से बचाए रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदी सशक्त तब होगी जब अभी लोग कहते हैं ना कि पीने के बाद इंग्लिश निकलती है, जब लोगों के पीने के बाद भी हिंदी निकलेगी, महोदय है ना, कौन कम वक्त पीने के लिए ये सब कुछ, है ना, तो नो डाउट ऐसे लोग रहेंगे, तो अभी तो इतना जल्दी कुछ कोई खतरा नहीं है हिंदी को, बस हाँ हिंदी एस्पिरेंट्स को खतरा है थोड़ा सा, वो थोड़ी सी अपनी चीजें बढ़ाएं, उनको कंटेंट डेवलपर मिलेंगे, नो डाउट हिंदी निकलती है, लोग केवल उसको बता देते हैं इंग्लिश, उसको इंग्लिश को प्रमोट करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश नहीं बोलता हो इंग्लिश बोलने लगता है, अभी आप मुझे तो नहीं कोई मिला जो इंग्लिश नहीं जानता हो और मेरे बाद इंग्लिश बोलता हो, वही बताता हूं, योगा जरूरी है, नाटक जरूरी है, ये नाट्य मंच ही है, दुनिया जो है रंगमंच है और सब लोग नाटक करते हैं, तो हम सपने हिंदी में देखते हैं, तो फिर कोई हमें नहीं लगता हिंदी भाषी का आदमी जो इंग्लिश में सपना देखा हो, आज तक मुझे नहीं आया, जबकि इंग्लिश मुझे ठीक ठाक आती है, लेकिन कभी नहीं सपना आया, जो भी जानता हो बताए कि हाँ मैं इंग्लिश में सपना देखता हूँ, नहीं मैं इंग्लिश में सपना पढ़ता बस हूँ दूसरों के देखे हुए सपने पढ़ते हैं अपन ना, इंग्लिश में नॉवेल्स के रूप में आते हैं, कभी कभी हैरी पॉटर देख लेते हैं, तो वो किसी का सपना ही है, हमारा सपना है हिंदी थोड़ी सी और बेहतर हो, है ना, और हम लोग जितना हो सके कोशिश करें, है ना, अपने स्तर पर, है ना, तो ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो सर डूलिंग वर्ड्स आपको बधाई दे रहा है आपकी नई किताब के लिए, और भाषा का जो दायरा था वो हमने बिल्कुल भी नहीं छुआ और हर एक शब्द को हमने पकड़ा और बिल्कुल आजादगी के साथ हमने इस सेशन को आगे बढ़ाया। ना गेस्ट अच्छा हो तो होस्ट को कुछ नहीं करना पड़ता, सर बताते गए ना कि अब मुझे किधर जाना है, एक अच्छी बात ये थी कि हमने किसी भी ना विवादित टॉपिक पर कोई बयान नहीं दिया,
और सर ने बचा के रखा, हो सकता है मैं कुछ पूछता तो फ्लो फ्लो में निकल जाता ना, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपकी लाइन करता हूँ, फिर हम सेशन बंद कर सकते हैं। ख्वाहिशों का सफर किताब के पीछे आपकी लाइन्स लिखी है कि क्यों होता है निराश असफलताओं से, तेरा मुकाम तो तेरे हौसलों पर निर्भर है। मिलेगी जहाँ की हर आरजू तुझे, तेरी हदें तो तेरी ख्वाहिशों पर निर्भर है। तेरी हदें तो तेरी ख्वाहिशों पर निर्भर है। इसके साथ मैं सेशन कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच जितने भी दर्शकगण हमारे साथ जुड़े थे। बतकई के अगले सेशन में हम जुड़ेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल, Instagram और Facebook पर जो भी अपडेट्स आते हैं उन्हें फॉलो करिए और हमसे बने रहिए। और हिंदी में जज्बात है तो हिंदी में बात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, शुभ संध्या। थैंक यू सर, या गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।